भारत आस्था का देश है। यहाँ का इतिहास भी राजाओं, देवताओं और आस्था पर केंद्रित है और इसके प्रमाण आज भी किले के रूप में, मकबरे के रूप में, शिलाओं के रूप में देश के हर हिस्से में मौजूद है, जो चीख चीख कर इनके इतिहास की गवाही देता है। ऐसा ही एक किला है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जिसकी कहानी जितनी रोचक है उतनी आश्चर्यजनक। चंदेल राजाओं के इतिहास का बड़ा हिस्सा इसी किले के इर्द गिर्द रहा है। अजयगढ़ चंदेलों के 8 ऐतिहासिक किलों में से एक है। यहाँ ऐसी अनेक ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जिनमें कार्तिकेय, गणेश, जैन तीर्थंकरों के आसन हैं। दूर से देखने पर खजुराहो और अजयगढ़ का किला एक ही वास्तुकार के हाथों का करिश्मा दिखता है और यहाँ मौजूद शिलालेखों पर अजयपाल के इस किले का रहस्य छिपा हुआ है। अनोखे खजाने के बारे में समझे उसके पहले इसका इतिहास भी जान लीजिए। यूं तो पूरा पन्ना जिला ही ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है, लेकिन पन्ना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बसा ये किला, जिसका इतिहास कहता है कि यह 2000 ईसा पूर्व चंदेल वंश के राजाओं के दौर का किला है, इस किले को लेकर कई किस्से कहानियां हैं। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया तो उन्होंने किले में छुपे खजाने का पता करने के लिए इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब मूर्ति पानी के कुंड में जाकर कहीं गायब हो गई और तभी से किले में मौजूद खजाना दुनिया के लिए रहस्य बन गया। यह एक चट्टान पर शिवलिंग बना है, वहीं पर किसी भाषा में शिलालेख मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि इसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। यहीं पर एक विशाल ताला चाबी की आकृति बनी हुई है जो बीजक है। कहते हैं कि किले के खजाने का रहस्य इसी में है, जो इस शिलालेख को पढ़ लेगा वो यहाँ का राजा बन जाएगा और खजाना भी उसे हासिल हो जाएगा। भाई साहब, ये ताला चाबी का, ये हमारे बहुत ही प्राचीन ताला चाबी का सिस्टम है और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हर प्रकार की भाषा, ऐसी कोई भाषा नहीं है जो उस ताला चाबी में ऐड ना हो। उन उर्दू, हिंदी, फारसी, जो भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं से मिला के एक काफ़ी बड़ा मेटल लिखा हुआ है और काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग गए, लेकिन उस भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया आज तक। और ऐसा माना जाता है कि जो भी विद्वान उस भाषा को पूरा पढ़ ले, वहाँ पे एक पत्थर टाइप का रखा हुआ है शिलालेख, और उस पर शिलालेख है पूरा मैटर। जो भी विद्वान उसको पढ़ ले तो वो शिलालेख अपने आप खुल के उसको रंग से राजा बना देगी। चाबी ताले का राज ये है, लोग बाग बताते हैं कि माँ कुछ पैसा रखा हुआ है, जो कोई उसको पढ़ ले, वो लेख को पढ़ ले, उसको जो है वो वहाँ पर जो है पहले उससे उसकी जानकारी मिल सकती है और ताला चाबी खुद रखता है। अजयगढ़ किले के बाद यहाँ का अजयपाल बाबा मंदिर भी काफी प्रसिद्ध और जागृत है। कहते हैं यहाँ मुरीद मांगने वाली की दिल से निकली दुआ पूरी होती है। यहाँ लोग संतान की प्राप्ति के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ के एकमात्र कंकड़ को ही अगर मवेशियों के पास रख दिया जाए तो पशुओं की बीमारी दूर हो जाती है। किले का यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार 48 घंटे के लिए ही खुलता है। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर किले का यह मंदिर खोला जाता है और रीवा के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखी भगवान अजयपाल की मूर्ति को यहाँ लाया जाता है। दूर दूर से निसंतान दंपति और किसान इसके दर्शन के लिए आते हैं। किले के नीचे प्राचीन जमाने से चला आ रहा मेला भी लगाया जाता है, जिसमें आसपास के ग्रामीणों सहित दूर दराज से लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि अजयपाल की यह मूर्ति तांत्रिक बाबा की मूर्ति है। हम अजयपाल आए, हमने भगवान के दर्शन किए, हमने देखा यहाँ पे कि काफ़ी यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें हैं, पुरातत्व चीज़ें हैं, जिनसे हमें बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ आए, हमने यहाँ दर्शन किए भगवान के, भगवान की एक मूर्ति देखी, फिर हम यहाँ से भूतेश्वर गए। भूतेश्वर महाराज में शंकर जी का मंदिर है, जहाँ पे उनकी एक विशाल शिवलिंग भी है। फिर यहाँ से हम रंग महल आए हैं। रंग महल में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी कलाकारी की गई है। कलाकारी के बाद हमने वहाँ देखा कि रानी लक्ष्मी, मतलब रानी जो रहती थी, वो यहाँ पे स्नान करती थी, उनका तालाब वगैरह है। यहाँ पे नौ देवियों का मंदिर है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। जाए तो किला काफ़ी पुराना है और इसके ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर से आप पहचान सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन में पहले राजा अमन के महल के नाम से, यहाँ जिसे हम रंग महल के नाम से जानते हैं, उसका स्थान था। वर्तमान में उसे हटा दिया गया है, पर जहाँ तक बात महाराज अजयपाल की मूर्ति के दर्शन की है,
तो वर्ष में केवल एक दिन के लिए खुलते हैं। इस वर्ष शायद तीन दिन के दर्शन का लाभ भक्तों को मिल पा रहा है। 14, 15, 16 ऐसे तीन दिन यह मूर्ति रहेगी। शेष समय मध्य प्रदेश शासन की निगरानी में रहती है, सुरक्षा में रहती है। इन तीन दिनों ही इनके दर्शन कर पाना संभव है। इन्हीं के जो है बच्चा ना हो, जिसके 12 साल 15 साल शादी के हो गए हो, इधर हाथे लगवाएंगे, बच्चा बराबर होगा। वाकई एक किला अपने आप में कई सवाल लिए बैठा है। दूर दूर से निसंतान दंपति और किसान इसके दर्शन के लिए आते हैं। दीवार पर लिखे खजाने के रहस्य को भी इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर आज तक ये रहस्य कैसे बना रहा? अगर दीवार के उस शिलालेख पर वाकई ताले को खोलने का कोई तरीका लिखा है तो उसे आज तक कोई पढ़ क्यों नहीं पाया? ऐसा क्या है उस मंदिर में जो लोगों की आस्था है, जो आज तक बरकरार है? ऐसे तमाम सवाल हैं, जैसे साबित होता है कि वाकई अजब गजब है अजय पाल का यह किला।